अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई, अभी हमने आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा काम लेकर आई हूँ, और जो कि थोड़ा मुख्तलिफ है बाकी रोज़ाना के कामों से, कि मैंने सोचा कि हम रोज़ाना एक ही काम कर कर के पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं ताकि हमें मज़ा आए करने में, ठीक है? तो आज मैं आपके लिए कुछ अलग सा काम लेकर आई हूँ। अच्छा तो बच्चों, अब हम अपनी उर्दू की प्रियर 3 का सफ़ा नंबर 78 खोलते हैं। अच्छा भाई, तो ये आ गया हमारे पास हमारा सफ़ा, और सफ़ा खोलते ही सबसे पहले क्या करते हैं, शाबाश तस्वीरी हिदायत को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पढ़िए और लिखिए, यहाँ पर हम अपनी आज की तारीख भी डाल देंगे भाई, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सवालात के जवाबात दीजिए। अच्छा भाई, तो आपको याद है अभी हमने थोड़े दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी, हम सब ने एक साथ पढ़ी थी, जिसका नाम था मानो मिट्ठू बाग में। सबको याद होगा, हमने वो कहानी पढ़ी थी और हमें बहुत मज़ा भी आया था वो कहानी पढ़ने में। तो अब हम उसको उसके हमें कुछ यहाँ पे सवालात पूछे हुए हैं हमसे उसकी उसी कहानी के बारे में, तो अब हम उसके जवाब देते हैं भाई। हम सबको याद है क्योंकि अभी हमने अभी तो पढ़ी थी कल वो कहानी, तो अब हमें अच्छे से याद है उसमें क्या क्या हुआ था, तो अब हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, माली का क्या नाम है? माली का क्या नाम है? माली का क्या नाम था भाई? माली का नाम बानो था या पाशा था? शाबाश, माली का नाम लाला था। बहुत अच्छे, यहाँ पर हम लिख देंगे माली का नाम लाला है, ठीक है? तो इसी तरीके से हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं, वो है हमारे पास तोते का क्या नाम है? तोते का क्या नाम है भाई? तोते का कोई नाम तो नहीं होता, तोते का नाम तो तोता ही होता है, लेकिन कुछ लोग तोते का नाम रख लेते हैं। और इस कहानी में हमें क्या नाम दिया हुआ था भाई तोते का? क्या नाम दिया हुआ था? मिट्ठू नाम दिया हुआ था। शाबाश, अब हम लिख देंगे यहाँ पे तोते का नाम मिट्ठू है, ठीक है? तो इसी तरीके से अपने आखिरी सवाल की तरफ आ जाते हैं, वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास मिट्ठू को कहाँ जाना पसंद है? मिट्ठू को कहाँ जाना पसंद है भाई? मिट्ठू तो जंगल में भी होता है, मिट्ठू तो पिंजरे में भी होता है, और कभी अगर हम परिंदे ख़रीदने जाते हैं दुकानों पर तो वहाँ पर भी होता है, बहुत सी जगहों पर होता है भाई तोते तो, बहुत से मिट्ठू बहुत सी जगहों पर होते हैं। तो यहाँ पर मिट्ठू को कहाँ जाना पसंद है? बाग में जाना पसंद है। ये मिट्ठू थोड़ा अलग तरीके का है, इसको बाग में जाना पसंद है, ठीक है? तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मिट्ठू को बाग में जाना पसंद है, ठीक है? तो इसी तरीके से अब नीचे आ जाते हैं, नीचे हमें एक और काम दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा ये काम तो ख़त्म हो गया, हमने सारे सवालात के जवाब दे दिए, ठीक है? तो अब नीचे हमें यहाँ पे लिख के दिया हुआ है जुमले बनाइए, हमें जुमले बनाने हैं। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनके जुमले बनाने हैं, ठीक है? तो अब देख लेते हैं कौन कौन से अल्फाज दिए हुए हैं। पहला यहाँ पर हमें दिया हुआ है बाग। बाग का क्या जुमला बनाएं भाई? बाग तो हमारे घर के पास भी होता है और हमें वहाँ जाके बहुत मज़ा भी आता है और हमें पसंद भी होता है बाग। तो क्या ये जुमला बना दें हम कि बाग सबको पसंद है?
चलें हम इसका यही जुमला बना देते हैं कि बाग सबको पसंद है। ठीक है, ये जो बाग के आगे एक लाइन दी हुई है यहाँ पर हम लिखेंगे बाग सबको पसंद है। ठीक है, दूसरे जुमले पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है माली। मैंने आपको बताया था ना माली कौन होता है, जो पौधों की और दरख्तों की देखभाल करता है, उन्हें पानी देता है ताकि वो खूबसूरत रहें, हरे हरे रहें, वरना वो मुरझा जाते हैं अगर उनकी देखभाल ना की जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था माली ये होता है कि जो पौधों की देखभाल करता है। तो हम क्या जुमला बनाएं, और पौधे तो ज़्यादातर बाग में होते हैं, तो हम क्या ये जुमला बना दें कि माली बाग में है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पौधे होते हैं ना। तो इसका ये जुमला बनाते हैं कि माली बाग में है। ठीक है, और जनाब यहाँ पर हमारे पास एक और है, वो कौन सा है, तोता। तोते का जुमला भाई क्या बनाएं, तोते को क्या पसंद होता है, तोते को तो उड़ना पसंद होता है, चूरी खाना पसंद होता है, और गाना गाना भी बहुत पसंद होता है तोते को, है ना। हमने अक्सर सुना होगा जो तोते अपने घर में रखते हैं पिंजरों में, उनके घरों में वो सीटी बजा के गाना गा रहा होता है, सबको ये पता होगा, ये सबको पता होगी ये बात। तो इसका जुमला ये बना देते हैं, तोते को गाना गाना पसंद है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, तो इसी तरीके से अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ ये काम करने में। तो इसी तरह मैं आपके लिए इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे काम लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।